नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार, प्लेसमेंट इंचार्ज, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्लेसमेंट सेल को, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में निकली हुई हर वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी। तो यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बने घंटी को भी जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी जो लेटेस्ट वैकेंसी निकली है वो है एसएससी के अंदर, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर। बात करें पोस्ट नेम की तो पोस्ट नेम है सब इंस्पेक्टर जीडी और एएसआई के लिए। बात करें ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लास्ट तारीख की तो वो है 16 अक्टूबर 2019 शाम 5 बजे से पहले। एग्जाम की बात करें जो पहला एग्जाम होगा वो है 11 और 13 दिसंबर 2019 को। जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया है। अब बात करें एप्लीकेशन फीस की तो वो है जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 100 रुपीज, एससी एसटी किसी भी कास्ट से फीमेल और एक्स सर्विसमैन के लिए जो प्रोसेसिंग फीस है बिल्कुल जीरो है, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगी। एज लिमिट की बात करें तो जो एज लिमिट है वो है 20 साल से लेकर 25 साल के बीच। नंबर ऑफ वैकेंसीज अभी तक कोई फाइनल नहीं है, बहुत वैकेंसीज हैं, जल्दी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात करें जो वैकेंसीज है पोस्ट किसके लिए होगी, वो डिपार्टमेंट होगा दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लिए। बात करें क्वालिफिकेशन की तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास ग्रेजुएशन यानी कि डिग्री और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास साथ होना चाहिए। अब बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड की तो जो हाइट हुई मेल के लिए और जनरल ओबीसी एससी के लिए वो है 170 सेंटीमीटर, एसटी के लिए 162 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए हाइट जनरल बीसी कैटेगरी जो है वो है 157, ओनली एसटी के लिए 154 सेंटीमीटर। अब बात करें चेस्ट की जो मेल है जनरल ओबीसी एससी के लिए वो 80 से 85 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 77 to 82 सेंटीमीटर। वेट की बात करें तो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें यानी कि जो आपकी रनिंग और शॉर्ट पुट लॉन्ग जंप वगैरह है उनके लिए, रनिंग मेल के लिए है वो है 100 मीटर के लिए 16 सेकंड और फीमेल के लिए 100 मीटर 18 सेकंड के लिए। शॉर्ट पुट मेल के लिए है वो है 4.5 मीटर पर 3 चांस आपको मिलेंगे। लॉन्ग जंप की बात करें तो मेल के लिए है 3.65 मीटर 3 चांस और फीमेल के लिए 2.7 मीटर वो भी 3 चांस। लॉन्ग जंप मेल के लिए है वो है 1.2 मीटर 3 चांस और फीमेल के लिए 0.9 मीटर 3 चांस। अब बात करें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से स्कैन होंगे तो वो है आपके पहले पासपोर्ट साइज की फोटो और आपका सेकंड आपका जो है सिग्नेचर स्कैन होंगे। अब बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की तो सबसे पहले आपका होगा वो है ऑनलाइन एग्जाम, फिर होगा फिजिकल लीजिबल टेस्ट यानी कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट होगा, रनिंग लॉन्ग जंप हाई जंप चेस्ट सब कुछ, फिर होगा आपका लास्ट में मेडिकल। तो इस तरीके से अगर आप लीजिबल हैं इस पोस्ट के लिए तो इस पोस्ट को जल्दी से फिल जरूर करें। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर जरूर करें। आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें, ये हमारी रिक्वेस्ट आपसे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरीके से गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की सारी जानकारी
व्हाट्सएप पर भी मिले तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, उस लिंक के माध्यम से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।